बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जैसा कि अभी स्वीटी के दोनों भाई आदम और मोहसिन की शादी जो है हॉट टॉपिक पर है और हॉट न्यूज़ बनी हुई है, मगर फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि स्वीटी के जो भाइयों की शादी हुई है उसमें आदम की बारात जा रही थी और जाहिर सी बात है सेहराबंदी हुई, तो वहाँ पर मोहसिन की भी सेहराबंदी हुई। इवन के मोहसिन की जो शादी है या रुखसती है वो अपनी ब्राइड को बिल्कुल खामोशी से होटल से ले आए थे, ठीक है, जैसे स्वीटी ने बताया उनकी फैमिली के कम मेंबर्स थे तो वो खामोशी से लाए होटल से, तो रुखसती तो हो गई। अब जो है उसके बाद इन्होंने की मेहंदी जिसमें मोहसिन की और आदम की दोनों की मेहंदी थी, लेकिन डेफिनेटली मोहसिन की तो ब्राइड आ ही चुकी थी और आदम की जो है वो ब्राइड नहीं आई थी, रुखसती नहीं हुई थी, तो इसलिए दोनों अलग थे, लेकिन मोहसिन की ब्राइड उसके साथ बैठी हुई थी, बस उसको ब्लर किया हुआ था फेस को। अब फ्रेंड यहाँ पर मोहसिन की जो ब्राइड है उन्होंने पहना हुआ था आदम की शादी में यानी कि रुखसती में, उन्होंने अपनी शादी का आउटफिट पहना था जो कि मेहरून और गोल्डन था, तो फ्रेंड प्योर देसी लुक आ रहा था और आई डोंट नो उन्होंने हाइड क्यों किया हुआ है अभी तक। डेफिनेटली जो आदम की जो वाइफ है उनकी तो रुखसती ही नहीं हुई है, तो अभी वो बिल्कुल ही उनको सेपरेट रखा जाएगा, उनका तो चलो अभी घर पे ही नहीं आई तो उनको क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। लेकिन मोहसिन की वाइफ का जो है क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि उन्होंने फेस रिवील क्यों नहीं किया, बिल्कुल हाइड किया हुआ है। सो फ्रेंड मैं आपको बताऊँ इसका एक रीज़न ये है कि इन लोगों ने मसलियातन जो है उनका फेस हाइड रखा हुआ है, ब्लर रखा हुआ है। देखिए एक तो होती है प्राइवेसी, अब जब आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं तो प्राइवेसी इतनी रहती नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं हर जगह के। अब स्टोरी ये है कि जो मोहसिन की जो रुखसती हुई है वो हुई है सादगी से और वो मसलियातन हुई है डेफिनेटली, क्योंकि उनकी फैमिली के बहुत कम लोग थे, इन्हें अच्छा नहीं लगा बहुत ज़्यादा लोग ले जाते, वो तो सिंपलिसिटी के साथ होटल से रुखसती हो गई, जो भी रस्में हुई होंगी वो वहीं हुई होंगी। अच्छा अब यह है कि अगर मोहसिन की वाइफ का फेस रिवील हो जाएगा तो जो आदम की वाइफ आरी है वो भी रुखसत नहीं हुई, ठीक है, वो रुखसत होके आएगी, तो इन्होंने ये प्लान किया होगा, जो जहाँ तक मेरी एक थिंकिंग है, इन्होंने जब दिखाना है फेस जिस दिन दोनों का वलीमा होगा, क्योंकि अभी जो है शादी कंप्लीट नहीं हुई है, शादी के इवेंट्स अभी हो रहे हैं। आई मीन टू से कि मोहसिन की वाइफ आ गई है मगर मोहसिन की जो शादी हुई है वो थोड़ी सी ट्रेडिशन से आउट हुई है, क्योंकि वो पहले रुखसत होकर आ गई, मेहंदी उसकी बाद में हुई, फिर आदम की वाइफ रुखसत होकर आएगी, फिर दोनों के वलीमे होंगे, तो सिंपल इज़ दैट कि इन दोनों की जो रुखसती है वो होगी और उसके बाद, मतलब रुखसती तो आदम की वाइफ की होगी और उसके बाद जब इनका वलीमा होगा तो एट द एंड ऑफ वलीमा इनका फेस दिख जाएगा, या फिर हो सकता है वलीमे वाले दिन ही इनका फेस दिख जाए। फ्रेंड इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द बेल आइकॉन, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।